पत्थर गिरा है ऊपर से, और उसके बाद ये पूरा जो पोर्शन है इस पेंटिंग का पूरा निकल चुका है, पूरा हट चुका है, और ये पत्थर ऐसे जाके धंसा है जैसे कच्ची मिट्टी में धस गया हो। ये देखिए आप, कम से कम 4 से 6 इंच जो है अंदर धस गया है, छोटा सा पत्थर। तो इससे ये पत्थर भी गवाही दे रहा है कि गुणवत्ता क्या है सड़क की। आपको दिखा रहा हूँ, ये पत्थर ऊपर से गिरा होगा, यहाँ पे निश्चित रूप से गिरा होगा, और आप देखिए ये पत्थर गिरने से ही ये रोड के हालत क्या हो गई है। ये देखिए, इसे क्लोज दिखाइए इसे, ये ऊपर चट्टान का पत्थर गिरा और सारी पेंटिंग ये उखड़ चुकी है। तो इसकी मजबूती का आकलन जो है प्रकृति भी यहाँ पे दे रही है कि आप, प्रकृति ने ही इसकी खुद टेस्टिंग कर दी है। प्रकृति ने ऊपर से एक पत्थर गिराया और इसकी गुणवत्ता की पोल खोल दी है। पीएमजीएसवाई की जो ये सड़क बन रही है यहाँ पे चौबट्टा खाल विधानसभा के अंतर्गत, दुधार खाल से जब आगे आप चलते हैं तो बताया जा रहा है कि ये जो यहाँ पे पुल बन रहा है और ये जो सड़क बन जाएगी, इसके बाद ये इलाका संगला कोटी और पोखड़ा से डायरेक्ट टच हो जाएगा, और अगर वहां से टच हो जाता है तो यहाँ के लोग रामनगर आसानी से आ जा सकते हैं। लेकिन जिस तरह से ये सड़क का काम चल रहा है उससे ग्रामीण सेटिस्फाइड नहीं है, और मेरे साथ यहाँ पे यहाँ के चौबट्टा खाल के स्थानीय युवा हैं अंकित बिष्ट जी, जिनके माध्यम से हमें इस सड़क के बारे में जानकारी मिली कि इसका काम गुणवत्ता के साथ नहीं हो रहा है। अंकित जी, इसमें क्या क्या दिक्कतें हैं? कुछ चीजें तो हम खुद देख चुके हैं कि सड़क जगह जगह दब रही है, केवल ट्रक के टायर से ही दब चुकी है, कहीं पर ऊपर से पत्थर गिरा है तो वहां धस गई है, और जो आरोप है आपका कि इसमें जो 3 लेयर नीचे बिछती है उसमें भी क्या कुछ गड़बड़ी है क्या? जी सर्वप्रथम निकी जी, आपका जागो उत्तराखंड का बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आपने इस विषय में यहाँ हमारे क्षेत्र में आके संज्ञान लिया। और आप बात कर रहे हैं रोड की, तो इसमें सबसे हमारा मेन जो मुद्दा है वो है 3 लेयर जो होती है रोड की, उसमें जो नीचे की लेयर है उसमें तो हमें बिल्कुल ही डाउट है। और महाराज जी जो हमारे विधायक हैं उनसे भी हमारा निवेदन है कि इस रोड का संज्ञान जरूर लें। और रोड अभी आप देखें तो इस रोड पे जो जहाँ पे थोड़ी सी खाई टाइप हो चट्टान टाइप की है, वहां से एक पत्थर अभी हमने आगे देखा तो वो गिरा था, तो वो बिल्कुल ही जमीन में धस गया था और रोड बिल्कुल बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी। अगर ये अभी रोड का हाल है तो भविष्य में इसका जो परिणाम है वो अच्छा संकेत नहीं है हमारे क्षेत्रवासियों के लिए और हम खुद हमारे लिए भी। क्या चाहते हैं आपकी महाराज जी इसका संज्ञान लें, क्या इसकी जांच होनी चाहिए? जी बिल्कुल निकी जी, हमारा महाराज जी से निवेदन है कि इस रोड का संज्ञान लें और इसकी पूरी रोड की जो जांच है उस जांच को कराएं और स्वयं भी इस पे बिल्कुल यहाँ क्षेत्र में आके उस विषय में जानकारी प्राप्त करें। तो ये आपने देखा कि निश्चित तौर पे इसकी जो गुणवत्ता है उस पे सवाल खड़े हो रहे हैं, और हमने आपको खुद दिखाया है, जो आपने विजुअल्स देखे होंगे उसमें दिखाई दे रहा है कि सड़क की जो पेंटिंग हो रही है, हालांकि पेंटिंग अभी शुरू हुई है, इसमें पेंटिंग अभी कुछ दिन पहले ही हुई है, इसमें ऊपर से मिट्टी दिखाई दे रही है तो कहीं पे धस गई है तो कहीं पे थिकनेस ना के बराबर है, और जो मुख्य आरोप है कि पेंटिंग से पहले जो लेयर बिछाई जाती है उसमें शायद 1 लेयर यहाँ पे गायब भी है। अगर वो लेयर गायब है तो आप समझ सकते हैं कि 7 करोड़ की लागत की ये सड़क है और लगभग 12 किलोमीटर ये सड़क बनाई जा रही है, तो हर किलोमीटर पे लाखों का घोटाला इसमें किया गया है। और अगर आप इसका पूरा आकलन कर दें गणितीय तरीके से तो ये करोड़ों में जाएगा। तो मेरा सतपाल महाराज जी से अनुरोध है कि आपकी विधानसभा की एक बहुत महत्वपूर्ण सड़क है, बहुत समय बाद ये सड़क बन रही है और उसमें इस तरह की गड़बड़ी हो जाती है, इस तरह का भ्रष्टाचार हो जाता है, तो ये बड़ा दुखद है। तो आप इस मामले की जांच करवाएं और एक थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन इसमें होना चाहिए, क्योंकि हमें ये भी जानकारी मिली है कि पीएमजीएसवाई के जो एमक्यूएम या एसक्यूएम जो होते हैं क्वालिटी के, वो यहाँ पे आए और वो भी अपनी जेब गरम करके यहाँ से चले गए हैं। पीएमजीएसवाई की सड़कों से लगातार इस तरह की शिकायतें आती हैं, और जिस क्षेत्र में जो भी विधायक हैं उनका ये दायित्व है कि अपने इलाके की सड़कों का वे स्वयं भी मुआयना करें। साथ ही ग्रामीणों से भी अनुरोध है कि जब इन सड़कों का काम चल रहा हो उसी दौरान वो जागो उत्तराखंड को भी सूचित करें, जिससे हम मौके पे आके
सड़क की असली तस्वीर सबके सामने पेश कर सके। चौबट्टा खाल विधानसभा के अंतर्गत जो ये झबेरा से जजेड़ी को ये सड़क जा रही है, जो PMGSY की सड़क है और लगभग 12 किलोमीटर की ये सड़क है, इसमें जो आरोप है कि इसमें जो पेंटिंग से पहले G1, G2, G3 का काम होता है, मुख्य आरोप यह है कि इसमें एक लेयर गायब है। अब ये तो जांच का विषय है कि कौन सी लेयर वो गायब है, क्या वो GSP गायब है या इंटर गायब है या टॉप गायब है। हालांकि मुझे लगता है कि टॉप और GSP जो प्राइमरी G1 होता है, जिसे G1 भी कहते हैं, वो यहां पर होगी, लेकिन इंटर के गायब होने की बहुत ज्यादा संभावना है। उसकी पुष्टि के लिए मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये यहाँ पे पेंटिंग है। मैं कैमरामैन को कहूंगा कि काफी नजदीकी से आए हो, और वो देखिए, हमने इसे खोदा भी नहीं है, ये एज इट इज यहाँ पे है। ये पेंटिंग है और इसके नीचे मिट्टी है, ये सीधे सीधे मिट्टी है, ये आप देख सकते हैं। अगर इसमें तीन लेयर होती तो काफी थिकनेस होती इसकी, क्योंकि 10 सेंटीमीटर से ऊपर के ये लेयर्स होती हैं, तो ये लेयर्स कहीं नहीं दिखाई दे रही है। और थोड़ा थोड़ा आप आगे चलेंगे तो कहीं कहीं पे तो ये सीधा ऐसा लग रहा है कि इसके ऊपर सीधे पेंटिंग कर दी गई है। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, आगे यहाँ पे देखिए जो है बिल्कुल थिकनेस जीरो है। इस पॉइंट को दिखाइए आप, यहाँ पे बिल्कुल इसके नीचे कोई भी लेयर यहाँ पे पेंटिंग के नीचे नहीं दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये है कि इसमें जो लेयर पड़नी है, जिससे कि मजबूती होती है सड़क में, वो निश्चित रूप से इसकी कमजोर हो जाएगी। और जब इस तरह की सड़क बनेगी तो जल्दी ही, जैसे ही बारिश होगी, ये लेयर उखड़ना शुरू हो जाएगी। आप ये भी देख सकते हैं कि इसमें जो ऊपर की लेयर है, इसमें कहीं कहीं मिट्टी के निशान भी दिखाई दे रहे हैं, आप देख सकते हैं। और मिट्टी का मतलब यह है कि इसके नीचे सीधे मिट्टी रही होगी और इसके ऊपर पेंटिंग कर दी गई है। अगर इस तरह की पेंटिंग यहाँ पे होगी तो निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये सड़क बहुत ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। और क्योंकि हम लोग टेक्निकल नहीं है, जो ग्रामीणों की शिकायत है उसको हम उठाते हैं, और मकसद हमारा ये होता है कि गुणवत्तापूर्ण काम हो, क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा इन सड़कों पर लगता है। लगभग 7 करोड़ की लागत से ये सड़क बन रही है, और 2019 से चल के अब 22 आधा आधा हो गया है, अभी तक ये बन नहीं पाई है। संभवतः दो दो ठेकेदार भी इसमें चेंज हो चुके हैं। तो मेरा, क्योंकि ये चौबट्टा खाल विधानसभा के अंतर्गत ये सड़क बन रही है, तो मेरा जो विधायक है, PWD मंत्री भी है सतपाल महाराज जी, उनसे अनुरोध है कि एक बार वो स्वयं आए यहाँ पे, क्योंकि मुझे जानकारी मिली है कि उन्होंने ही जो सड़क है उसका इसका उद्घाटन जो है, जो शिलान्यास था, वो उन्होंने खुद किया है। तो आए और देखें कि किस गुणवत्ता से यहाँ पे काम हो रहा है। जागो उत्तराखंड के लिए झबेरा जजेड़ी सड़क से आशुतोष नेगी।